लॉकडाउन में क्या क्या हुआ देखिए खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के रावसर कस्बे में गुरुवार को राशन डिपो पर भीगा हुआ गेहूं वितरित करने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जांच कार्यवाही का आश्वासन देने पर लोग माने। एएसआई सत्यनारायण सिंह ने बताया कि आज सुबह गश्त के दौरान वार्ड नंबर 5 के राशन डिपो पर उपभोक्ताओं के हंगामे की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचकर हंगामा करने से बातचीत की। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में रोक के बावजूद बाइक पर एक से अधिक जने बैठ रहे हैं। न सिर्फ बैठ रहे हैं बल्कि इनमें से अधिकांश तो बिना वजह सड़कों पर घूम भी रहे हैं। ऐसे लोगों से जिला पुलिस समझाइश कर रही है। कहीं कहीं पुलिस सख्त रुख भी अपना रही है। जिला मुख्यालय के अधिकांश नाकों पर पुलिसकर्मी ऐसे लोगों से समझाइश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने बताया कि रोक के बावजूद कई वाहन चालक मान नहीं रहे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रसाद मदन नकाते ने लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राशन किट और पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का जिम्मा अब उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू को सौंप दिया है। पहले ये व्यवस्था जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी संभाल रहे थे। राशन और भोजन सामग्री बांटने वालों को अनुमति भी अब SDM ही जारी करेंगे। जिला रसद अधिकारी अब केवल उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा राशन वितरण की व्यवस्थाओं पर ही जोर देंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में जुटी राज्य सरकार ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी एक माह बाद देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को अब अप्रैल माह का वेतन जून में मिलेगा। इससे अधिकारी और कर्मचारियों के समक्ष भी आर्थिक संकट गहराने की संभावना बलवती हो गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि वेतन एक माह बाद मिलने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने कोटा से 10,000 लीटर हाइपोक्लोराइड मंगवाया है। ये सप्लाई रात करीब 10 बजे तक यहां पहुंचने की संभावना है। इसके बाद जिला कलेक्टर संबंधित विभागों को हाइपोक्लोराइड का आवंटन करके जिले भर में छिड़काव करवाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के संकट से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के तैयार किए गए एक व्हाट्सएप चैटबॉट का लोकार्पण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस व्हाट्सएप चैटबॉट का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कोरोना संकट से बाहर आने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी उचित मूल्य दुकानदारों को लॉकडाउन की स्थिति में आम नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्री मसाले एवं स्वच्छता उत्पादों जैसे कि साबुन डिटर्जेंट पाउडर फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनर की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है। ये अनुमति 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में नशीली दवा और हेरोइन सहित पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार उप निरीक्षक विशु वर्मा ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। परिवादी के अनुसार मुनसब अली उर्फ काला को नशीली दवा और हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बालाजी नशा मुक्ति केंद्र के आसपास घूम रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से नशीली दवा के पत्ते और हेरोइन बरामद की गई। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से उचित मूल्य दुकानदारों से घर घर जाकर राशन वितरण करने की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। जिले की 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में से केवल आधा दर्जन पंचायतों में ही पंचायत के सहयोग से राशन वितरण शुरू हो गया है। जिले भर के उपखंड अधिकारियों को भी घर घर जाकर राशन वितरण करने में परेशानी आ रही है। जिला रसद अधिकारी के आदेश के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के उद्देश्य से घर घर राशन वितरण करवाने में नगर परिषद और ग्राम पंचायतों का सहयोग लेना है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को लेकर राजकीय चिकित्सालय के मुख्य भवन को कोविड डेडिकेटेड भवन बना दिया गया है। मुख्य भवन के सारे सेटअप को भी MCH भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इस कारण अस्पताल स्टाफ और रोगियों को असुविधा भी हो रही है। इस बीच गुरुवार से MCH भवन में OPD भी शुरू कर दी गई है। एकदम से सारी व्यवस्थाएं नए भवन में करने के कारण आज OPD वार्ड के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं दिखी। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।